everybody, it's your boy Danish Dehan back at it again with a new video. Alright, so hey guys, what up everybody, it's your boy Danish Dehan back at it again with a new video, baby. नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बायोग्राफी विद अंकित के चैनल पर। दोस्तों मैं अंकित और मैं अपने इस चैनल पे फेमस लोगों की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी का वीडियो डालते रहता हूँ। दोस्तों यूं तो दुनिया में हर कोई आता है पर हर किसी में एक जैसी कला नहीं होती है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे शख्स की जो मॉडलिंग की दुनिया में अपना एक अलग नाम छोड़ गया है। मैं बात कर रहा हूँ एक इंडियन यूट्यूबर दानिश जेहान के बारे में जो 20 दिसंबर 2018 को दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर गए और एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, जो उनके चाहने वालों के लिए एक मुश्किल समय रहा। दानिश जेहान ने अपने 22 साल के करियर में बहुत कुछ अचीव किया जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उनकी पूरी लाइफ स्टोरी को जानेंगे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे नहीं तो प्लीज वीडियो को लाइक मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे आप लोग लोग दोस्तों दानिश का पूरा नाम दानिश जेहान है और इनका निकनेम दानिश है। ये एक यूट्यूबर और एमटीवी के शो एस ऑफ स्पेस के एक कार्यकर्ता भी थे। दानिश एक कॉलेज स्टूडेंट भी थे। इनका जन्म मुंबई के महाराष्ट्र में 16 मार्च 1996 को हुआ था। इनके एक भाई है जिनका नाम मिर्जा साकलेन है जो एक रैपर और हिप हॉप डांसर है। दोस्तों दानिश ने अपनी स्कूली पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय मुंबई से की थी और ये शुरू से पढ़ाई में अच्छे थे। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। दोस्तों इनको हमेशा से दूसरों जगह पर घूमना पसंद था। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत यूट्यूब से की। अपनी लाइफ स्टाइल का वीडियो बनाकर लोगों के बीच यूट्यूब पे अपलोड करते थे। दानिश जेहान ने अपने स्कूल के दिनों से ही सिंगिंग, डांसिंग और हेयर स्टाइल के दीवाने थे। दानिश जेहान को यूट्यूब पर लाइफ स्टाइल ब्लॉगर के नाम से जाना जाता है। सिर्फ अपने 22 साल की छोटी सी उम्र में दानिश यूट्यूब पर एक अलग नाम बन गए और अपने पैशन को फॉलो करके इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ अचीव करना एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के लिए गर्व की बात होती है। दोस्तों दानिश को अपने लाइफ स्टाइल को दूसरों को दिखाना बहुत अच्छा लगता था पर उनको बताने वाला कोई नहीं था कि इस दुनिया के सामने कैसे दिखाए। उनको कुछ भी आइडिया न था पर कुछ समय बाद उनकी ये समस्या खत्म हो गई जब उन्होंने YouTube पर देखा कि एक बंदे को ब्लॉग बनाते हुए, तब दानिश ने भी उसे फॉलो करते हुए अपना एक हेयर स्टाइल से रिलेटेड वीडियो बनाकर YouTube पर डाला जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि उनको स्टार्टिंग YouTube करियर में कैमरे के सामने आने में बहुत डर लगता था। उनके पास शुरू में नहीं एक खास फोन था और नहीं एक प्रोफेशनल कैमरा जिसे वो एक प्रोफेशनल वीडियो बना पाए, पर इन सबों को वो ध्यान ना दिए और अपने कंटेंट पर ध्यान दिए। जब वो घर से बाहर निकलते थे तब उन्हें लोग डिमोटिवेट करने वाली बात करते थे पर दानिश उन सब बातों को ध्यान न देते हुए सिर्फ अपने काम पर वो ध्यान देते थे। कुछ दिनों तक वो यूट्यूब पर काम किए। फिर दानिश ने अपनी करियर की शुरुआत जस्टिन बीबर के हेयर स्टाइल को देखते हुए किया जो आज दानिश जेहान हेयर स्टाइल के नाम से भी फेमस है। इन्होंने अपनी शुरुआती दिनों में अपने फेसबुक पर अपने हेयर स्टाइल की फोटो शेयर करते हैं और अपने कुछ रैपिंग सॉन्ग की क्लिप्स भी शेयर करना शुरू किया। दोस्तों दानिश जेहान ने अपने लाइफ स्टाइल को लोगों के साथ शेयर करने के लिए अपना यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम दानिश जेहान DMG रखा, जिस पर वो अपने रैपिंग सॉन्ग, हेयर स्टाइल और फिटनेस से रिलेटेड वीडियो डालते थे। फिर उनको अंदर से लगा कि इसका भी एक बाहर दुनिया है। फिर उन्होंने दानिश जेहान ने अपना एक अलग चैनल बनाया जिसका नाम रखा दानिश जेहान लाइफ स्टाइल नाम से, जिस पर वो अपनी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड वीडियो डालते थे। दानिश अब सबसे ज्यादा ध्यान अपने बालों, अपने बॉडी, अपने डीट, अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक पर देते थे। दोस्तों दानिश के दानिश जेहान लाइफ स्टाइल वाले चैनल पे एक वीडियो वायरल हुए और उन पर व्यू आने लगे, लोगों को उनका कंटेंट पसंद आने लगा। फिर उनके सब्सक्राइबर भी पहले 100 हुए, फिर 1000 हुए, फिर लाख हो गए। उनके चैनल पर सबसे ज्यादा ग्रोथ 2 महीने में हुआ था जिसके बाद दानिश वायरल होते गए। उनका मेन कंटेंट ब्लॉग का था। दोस्तों यूट्यूब की शुरुआती समय में दानिश के पास न कैमरा था न एक अच्छा फोन, पर कुछ समय बाद उनके भाई ने एक आईफोन गिफ्ट किया जिससे वो अपने कंटेंट पर और भी अच्छी तरह से काम करने लगे। आज उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 2.7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करके दानिश जेहान ने फैशन, हेयर स्टाइल और मॉडलिंग की दुनिया में अपना एक अलग नाम बना लिए थे। फिर दोस्तों किसी ने सही ही कहा है,
हाथों की लकीरों से तकदीर नहीं बनते, अक्सर तकदीर बनाने के लिए नई लकीरें खींचनी पड़ती हैं। दैनिस जिहान की लाइफ में उनको कामयाबी तो मिल ही गई थी, पर उनकी यह कामयाबी की खुशी ज्यादा दिनों तक आगे नहीं बढ़ पाई। और 20 दिसंबर 2018 को जब वो एक शादी से अपने घर को वापस आ रहे थे, तब वासी मुंबई हाईवे पर उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। जिंदा दिल खुश मिजाज दैनिस जिहान आज हमारे बीच तो नहीं है, पर उनकी सफलता और उनके चाहने वाले लोगों के लिए मोटिवेट कहानी बन गई। दोस्तों, आजकल के सभी युवा दैनिस जिहान को अपना बड़े भाई मानते हैं, पर करे तो क्या करे, आज अगर दैनिस जिहान हमारे सामने रहते तो कितना अच्छा रहता। दोस्तों, यही थी दैनिस जिहान की लाइफ स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आप भी मेरे तरह दैनिस जिहान को अपना भाई मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। इस वीडियो पे मेरे लिए नहीं बल्कि दैनिस जिहान के लिए तो एक लाइक कर सकते हैं ना दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।